अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और फाइनली दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A53 मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लुक A73 और A53 की आपको प्रोवाइड की थी, बट राइट नाउ सिर्फ A53 ही को अवेलेबल किया गया है। A73 प्रोबेबली कुछ एक वीक के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी जरूर कवर करेंगे। बट इस फोन की अगर रिटेल प्राइस की बात करते हैं तो 8GB 128GB एक ही वेरियंट को लॉन्च किया गया है। 86,000 रुपीज प्राइस है रिटेल की। 5,000 रुपए का सैमसंग अपने ऑनलाइन शॉप पर भी डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। उसके अलावा आपको mtechforyou.com पर भी, बाय द वे ये वीडियो भी उन्होंने स्पॉन्सर की है, अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आपको 81-85,000 रुपए की रेंज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका चार्जर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्काउंट प्राइस पर mtechforyou.com पर देखने को मिल जाएगा। बाय द वे ये तो बात होगी स्पॉन्सर की। बात करते हैं इस फोन की, छोटी सी अनबॉक्सिंग, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, लेकिन अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम लोग बात करेंगे वो 5 रीजन के इस फोन को क्यों कंसीडर करना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए। और 3 रीजन ये भी है कि भाई आप अगर इस तरह के यूजर हो तो नॉट टू बाय दिस फोन, 3 रीजन हमने वो भी रखे हैं। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब बड़ी क्विक सी अनबॉक्सिंग होने वाली है। A53 5G का बॉक्स मिलता है और बॉक्स के साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जर मिलने वाला नहीं है। तो बॉक्स को हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, बॉक्स को कर लेते ओपन। और जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ये ऑसम ब्लू कलर है, और इसमें मिंट कलर भी आता है, ब्लैक कलर भी आता है। मिंट कलर आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो रैपर कर लेते हैं कट, और जब भी कोई सैमसंग का फ़ोन बाय करें तो ये वाली सील ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना फ़ोन रीपैक होगा। और इस सील को भी हम कर लेते हैं कट। तो फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है, और बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर डिवाइस है, कोई भी इस टाइम जो लेड है या सिलिकॉन केस है वो नज़र नहीं आ रहा। और यस, यही एक्सपेक्टेशन थी कि भाई चार्जर नहीं, अब सिलिकॉन केस भी हमें नहीं मिलेगा सैमसंग के डिवाइसेस में। डिवाइस को निकाल के रखते हैं साइड पर। बाकी बॉक्स के कुछ कॉन्टेंट की बात करते हैं तो बस ये पैकेजिंग मिलती है, और मैं ये कहता हूँ कि भाई इस डब्बे की तो ज़रूरत ही नहीं थी, एक मोबाइल पकड़ा देते और ये पैकेजिंग पकड़ा देते, बोलते भाई ये मोबाइल है। बड़ी क्विक सी अनबॉक्सिंग है ये, और इसमें आपको एक केबल मिलती है जो कि Type-C into Type-C वाली केबल है। उसके अलावा बस एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। तो इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड पर। डिवाइस के ऊपर कुछ की स्पेसिफिकेशन है जिसको हम सेट को एक्टिवेट करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और मिलते हैं आपसे एक्सपीरियंस करने के बाद। वेल दोस्तों, बॉक्स में तो हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिलती है, बट अगर फ़ोन की बात करते हैं तो यार डॉलर का जो रेट हो गया है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये फ़ोन कहीं खुदा ना खास्ता 90,000 रुपया क्रॉस ना कर दे। ऑल दो पुराने रेट की, अगर डॉलर की रेट के हिसाब से बात करते हैं तो इसका जो प्रीवियस फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी A52s 71,500 रुपये का था। और राइट नाउ जो डॉलर का रेट हो चुका है, आज भी अगर ये फ़ोन अवेलेबल होता तो 30% 25-30% का जो है ना वो डिफरेंस पड़ा है डॉलर के रेट में। तो आपको इतना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है प्राइस को। बात करते हैं इस फ़ोन की कि क्या वो 5 रीज़न है कि फिलहाल आपको कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न आता है भाई बिल्ड क्वालिटी। इस फ़ोन का पूरा आपको बॉक्सी और प्रीमियम जो है ना वो डिज़ाइन मिलता है। जो कमियां A52s में मिलती थी वो A53 में जो है वो पूरी कर दी है सैमसंग ने। इनहैंड फील अच्छी है, फ्रेम ऑल दो प्लास्टिक वाला ही है लेकिन स्ट्रॉन्ग लगती है और बॉक्सी पूरा लगता है। A52s जरा कर्वी था, और A52s में आपको 8.4 mm की थिकनेस मिलती थी, A53 में आपको 8.1 mm की मिलती है। साथ के साथ वेट दोनों फोन्स का सिमिलर है, बट कैमरा और मॉड्यूल जो है ना रियर साइड का ये भी थोड़ा सा मैट में किया गया है। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा फिनिशिंग जो है ना वो अलग से, मतलब इस फ्रेम में थोड़ी सी बड़ी मिलती थी A52s में, A53 में ज़रा कम देखने को मिलेगी। रियर और जो फ्रेम है, बैक और फ्रेम को अलग अलग बनाया गया है, एक अच्छा और एक रीजनेबल डिज़ाइन बोलूंगा। और साथ के साथ भाई IP67 की रेटिंग भी मिलती है, ये भी पहले रीजन में आता है। और उसके साथ साथ ही ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इनहैंड फील जो है A52s से काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाली है। बैक में स्मजेस नहीं पड़ते, स्क्रैच नहीं पड़ते, और नए नए कलर्स मिलते हैं। मतलब आपको एक ब्लू कलर, ब्लैक में पहले ऑलरेडी फर्स्ट लुक में दे चुका हूँ, और एक मिंट कलर भी आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ इसमें आपको एक जो है वो पीच पिंक कलर टाइप का भी जो है वो कलर देखने को मिल जाता है, वाइट कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कलर जो है ना हमेशा से सैमसंग अपनी ए सीरीज में फोकस करता है, तो यस बिल्ड क्वालिटी को जो है वो इंप्रूव किया गया है। दूसरे रीजन की बात करते हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको भाई सैमसंग की ही डिवाइस लेनी है और इस प्राइस ब्रैकेट में उसको चाहिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट,
तो यस, ये फोन आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो आपको बेजल्स पहले से जरा कम मिलेंगे 52S से, बट अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा बहुत ही चिन का डिफरेंस है, बट चिन को भी थोड़ा सा फ्लैट किया गया है। सेंटर पंच होल कटआउट जो कि बहुत माइनर से साइज से आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 800 का पीक ब्राइटनेस निट्स है। और सीरियसली में भाई सैमसंग की यूआई की जो ब्राइटनेस है वो बहुत बेटर है। और इस दफा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में यूआई में मुझे ये इंप्रूवमेंट नजर आई है कि पहले अटेम्प्ट में जो है ना अनलॉक हो जाता है, स्लो नहीं होता। साथ के साथ फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। व्यूइंग एंगल अच्छे लगे मुझे। और साथ के साथ यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप वाइड वन एन वन पर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हो तो आप यहाँ पर जो है वो इंजॉय कर सकोगे। हाँ, थोड़ा बहुत कमी है, जैसा कि HDR10 नहीं मिलता, ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। बस सैमसंग अगर कोई फोन लेना चाहते हो तो आपको डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। बात करते हैं अपने तीसरे रीजन की, लेकिन ये रीजन गेमर्स के लिए नहीं है, गेमर्स के लिए आगे चल के हम बात करेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको भाई सैमसंग UI से प्यार है और आपको एक नॉक्स सिक्योरिटी से अटैचमेंट है, आप अपने फोन को ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हो, तो यस, ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 है। 1 UI 4.1 मिल रहा है, जहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिलेगी। बट अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो एक्सिनोस के साथ हमेशा से हमारा जो है ना एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं रहा, जब बड़े फेब्रिकेशन प्रोसेस पे थे 8 या 12 NM फेब्रिकेशन पर। बट इस फोन के अंदर एक्सिनोस 1280 वाला हार्डवेयर मिलता है। 2.4 ऑक्टाकोर हार्डवेयर है ये, एक 5 NM टेक्नोलॉजी भी है। और मैं ये कहूंगा कि यस, ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर है। साथ के साथ हमें यहाँ पर जो है LPDDR4 का रैम मिलता है। 8GB का UFS 2.1 का स्टोरेज है, हमें जो मिलता है 1 to 8 GB का हाइब्रिड सिम स्लॉट है। बस ये भी एक छोटा सा कौन होगा, डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, आप एक सिम लगा सकते हो या एक मेमोरी कार्ड या दो सिम चला सकते हो, लेकिन 1 to 8 GB आई थिंक इनफ है अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन मुझे अच्छी लगी, डे टू डे यूजेज और हैवी टास्किंग भी ये वाला हार्डवेयर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। आप जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो अनबॉक्सिंग की वीडियोज में हम लोग चेकआउट करते हैं ना, फोन हीट होता हुआ नहीं मिला। और कम फैब्रिकेशन प्रोसेस से ये है कि आपको फोन की जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यस, अगर आप एक कैजुअल यूजर हैं, आप हैवी टास्कर भी हैं, तब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ पबजी में आपको जो है वो यहाँ पर 30 FPS मिलता है। भाई ये हैंडल नहीं कर पाता, पता नहीं सैमसंग ने ऐसा क्यों किया है। प्रॉबेबली आगे चल के जो है अपडेट दे दे जहाँ पर 60 FPS की जो है वो आपको एक ऑप्शन मिल जाए। बट मैंने ये सोचा क्यों ना A53 पर हम लोग कोई कॉन्फ़िग फाइल, अच्छी कॉन्फ़िग फाइल जिससे कोई आईडी बैन नहीं होती, उसके ऊपर लगा के 60 और 90 FPS को जो है वो रिकॉर्ड करके देखें कि क्या ये हार्डवेयर 60 FPS या 90 FPS को हैंडल कर लेता है, कितने FPS को हैंडल करता है, हीट तो नहीं होता, तब मैं उस टेस्ट में जरूर बात करूंगा। बाय द वे, अगर आप पबजी लवर हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आगे चल के मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। नॉर्मल यूजेज या अगर आप हैवी टास्कर भी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करनी है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सटेंडेबल रैम की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, कुछ अराउंड आपको जो है वो 6 GB तक की जो है रैम एक्सपेंशन भी मिलती है। सैमसंग UI को बहुत ज्यादा पहले से इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद अपने बात करते हैं हम लोग अपने चौथे रीजन की, यस, वन एंड ओनली कैमरा। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट का एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं तो इससे पहले किंग था भाई A52S। ऑलमोस्ट वही हमें यहाँ पर जो है ना वो कैमरा सेटअप मिल रहा है। फ्रंट साइड पर 32 MP F2.2 और रियर साइड पर 64 MP ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ देखने को मिल रहा है। F1.8 का अपर्चर है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 MP के बाकी दोनों सेंसर मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि ये फोन फ्रंट साइड से और बैक साइड से मैक्सिमम 4K की वीडियो रिकॉर्ड करता है। और सैमसंग ने अपनी UI में इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है भाई। कलर टोन, डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है। कुछ जो पिक्चर्स हम लोगों ने कैप्चर किए हैं फ्रंट साइड पे, मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई। कुछ मैंने इसको A52S के साथ अभी थोड़ा बहुत कंपेयर किया है, तो A52S में जरा ना थोड़ी सी ब्लूइश या कूल टोन की तरफ जाता था, जहाँ पर सैमसंग ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है अपने जो पिक्चर एल्गोरिथम्स को, कि आपको जो है ना वो स्किन टोन इंप्रूव नजर आती है। ऑल दो OIS उतना अभी इंप्रूव नजर नहीं आया, हो सकता है अपडेट आ जाए तो ठीक हो जाए, बट अभी ये एक इनिशियल रिव्यू है। बट OIS मिलता है तो मैं सैमसंग से उम्मीद रखता हूँ कि इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा। एक अच्छा सेटअप हमें कैमरा को भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से रियर साइड की जो कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन है वो भी हमें ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी देखने को मिली है। अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी भी 12 MP की, यस, अगर आपने अल्ट्रा वाइड कोई लैंडस्केप शेप लैंडस्केप की किसी की जो है वो पहाड़ों की तस्वीरें खींचनी है तो आप खींच सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने व्लॉगिंग भी करनी है तो अल्ट्रा वाइड सेंसर पर भी आप कर सकते हैं। पर डिटेल में हम इन दोनों फोन्स को A52S को और A53 को जरूर कंपेयर करेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाना कि भाई क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नहीं, क्यों नहीं भाई कह रहे हैं कि इसको रीजन है। चौथा रीजन मेरा यही है कि इसको कैमरा के लिए आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं कुछ पांचवें रीजन की, इसमें मल्टी रीजंस आ जाते हैं। A52S में एक तो हमें 4500 mAh मिलती थी, अब A53 में हमें 5000 mAh मिल रही है। बट उसका जो 500 mAh बढ़ा के ना सैमसंग ने चार्जर डब्बे में से निकाल दिया है,
तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का चार्जर मिलता है, वो भी आपको mtechforyou.com पे मिल जाएगा। ऑल दो J52S के डब्बे में आता था 15 वाट का, तो वो कोई 1000 रुपये का चार्जर है, डब्बे में दे देते तो अच्छा हो जाता था, सिलिकॉन केस भी नहीं मिलता। खैर ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 500 mAh बैटरी का एक आपको नंबर जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। उसी तरीके से 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलता है, अभी हम लोगों ने चेकअप किया है 25 वाट अराउंड कुछ 5000 mAh को 1.25 से 1.5 घंटा ले जाता है। लेकिन हम डिटेल में एक टेस्ट बनाना चाहेंगे कि इस फोन को कितना टाइम लेता है 25 वाट का ओरिजिनल चार्जर चार्ज करने में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ना कितना टाइम लेता है। हमने जो नोटिस किया है वो तकरीबन 1.5 घंटे में जो है चार्ज कर जाता है। हाँ अच्छी बात ये कि A52s से आपको जरा बैटरी बैकअप जरा बड़ा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पर 4G एग्रीगेशन डुअल बैंड मिलता है, साथ के साथ आपको 5G के 12 बैंड मिलते हैं। ये हमारे 5वें रीजन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें हमें जो है वो इस फोन के अंदर ओके देखने को मिली है। ये तो बात होगी उन रीजंस की कि आपको इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए। बात करते हैं नॉट टू बाय दिस फोन। पहला यूजर वो होगा जो कि ऑलरेडी सैमसंग A52s को यूज कर रहा है, तो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है कि आप A52s से A53 पर जो है वो जाएं। अगर आप A52s यूज कर रहे हैं, आपने अच्छी प्राइस पे लिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो। बस कैमरा में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, हालांकि स्नैपड्रैगन 778G का जो पबजी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर है, ऑप्टिमाइजेशन इसकी भी बेटर है, तो आप A52s को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे रीज़न की बात करते हैं नॉट टू बाय वाले की, वो है भाई पबजी लवर्स। आउट ऑफ द बॉक्स ही अगर 60 FPS नहीं मिलता, कॉन्फ़िग फाइल लगा के मैं ज़रूर चेक करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 60 FPS उस तरीके से हैंडल कर पाएगा। ऑल दो A52s जो है वो बड़े स्टेबल हमें जो है ना वो FPS प्रोवाइड करता था, A53 को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, तो जल्दी मत करना, एक टेस्ट हम लोग देंगे और भी कुछ यूट्यूबर्स के जो है ना आप रिव्यूज़ देख लेना। पबजी के लिए आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ पबजी के लिए फ़ोन आपको कंसीडर करना चाहिए, बाकी चीज़ें हैं तो ठीक गुजारा हो जाता है। तीसरा रीज़न इतना बड़ा नहीं है, लेकिन गेमर्स साउंड लवर्स के लिए बहुत बड़ा है भाई। इस फ़ोन के अंदर हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलता जो कि A52s में मिलता था, ये बहुत बड़ा गम रहेगा। लाइक आपने एक टाइम में गेमिंग करनी है, आपको डोंगल एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, खर्चा वर्चा करना पड़ेगा, फ़ोन जो है वो 90,000 में जाके पड़ जाएगा। तो ओवरऑल हैंड फ्री जैक नहीं मिलता, ये भी एक रीज़न है कि आपको जो है इस फोन को नहीं कंसीडर करना चाहिए। एक टिप दे देता हूँ, हमने A52s भी लॉन्च होता हुआ देखा था कि 80,000 रुपये से ऊपर ही लॉन्च हुआ था, बाद में सैमसंग ने इसकी प्राइस पर कट लगा दिया था, पहले क्लियर कर देता हूँ। लेकिन एट दैट टाइम डॉलर कुछ 175-178 के अराउंड जो है ना वेरी होता रहा, और सैमसंग ने तब ताज़ी ताज़ी फैक्ट्री लगाई थी, तब ताज़ा ताज़ा मार्केट को ऑब्लाइज करना शुरू किया था। बट राइट नाउ इस टाइम ये करंट सिचुएशन बन गई है कि डेली 50 पैसे से ऊपर 1 से 1.5 रुपये तक का डॉलर का रेट का फर्क पड़ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अभी कुछ जल्दी जो है वो प्राइस कट लगने वाला है। हाँ अगर अल्लाह करे कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि डॉलर जो है ना वापसी 150-160 पर आ जाता है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तब आपको ये फ़ोन जो है वो अराउंड 8-10 हज़ार रुपये और कम होते, क्योंकि 30% की जो डिटेक्शन जो बड़े हैं पैसे उसी तरीके से 30% नीचे भी आएंगे, तब आपको जो है प्राइस कट मिलेगा, उससे पहले प्राइस कट मिलने वाला नहीं है। अब आपको कैसा लगा गैलेक्सी A53? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और क्या आप इसको कंपेयर करना चाहते हो किसी भी फ़ोन के साथ, स्टिल कन्फ्यूज हो, डोंट यू वरी भाई, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको जरूर वो कंपैरिजन भी अपने चैनल पर दे दूंगा। आफ्टर ऑल पैसे लगाएं तो रेवेन्यू से पैसे कमाने पड़ेंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्वाच की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिए वास्तव से पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।